कमाल की बात, मैंने पिछले आपको एपिसोड में नहीं बताया हुआ, बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि दिल्ली से ही क्यों, तो मैंने इसलिए बोला कि देश की राजधानी से धर्म की राजधानी तक का सफर था मेरा वो अयोध्या का। इंसान पैदा ही सनातनी होता है और परिवर्तन तो दूसरे मजहब में होते हैं, कहीं भी आपको चादर के बदौलत आपको मतलब कि परिवर्तन करवाया जाता है, कहीं भी आपको फादर के बदौलत परिवर्तन करवाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सैम की बात में दूसरे एपिसोड के दूसरे भाग में, और आज भी हमारे साथ राजन भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे आपके जो लास्ट वाला यात्रा था दिल्ली से केदारनाथ का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जी, तो इस सफर के बारे में आप जरा बताएंगे सभी को। पहले तो मैं अभी देवभूमि उत्तराखंड में हूँ, तो हर हर महादेव। और रही बात मेरी इस भारत यात्रा की, तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हो कि बैग के साथ पूरा है भाई, यही मेरा मतलब कि सारा सामान है, घर बार सब कुछ लेकर मैं ऐसे चलता हूँ, और ये मेरा बोर्ड है, और ये पीछे देख रहे हो प्लेस का, तो बस इसी बोर्ड के थ्रू जो है ऑल इंडिया परमिट है, आपको कहीं किसी पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। भारत यात्रा मेरी इसी से कहीं ना कहीं संपन्न रहती है, और मैं इसी से पिछले चार महीने से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और अभी जो है इस पांचवें महीने में मैं अप्रैल के महीने में आया था अभी उत्तराखंड, 16 अप्रैल को मैं निकला था घर से, और आज 7 मई हो रहा है जब आप शूट कर रहे हो, तो इस पिछले 20-21 दिन के इस जर्नी में मेरे टोटल जो खर्चे हैं वो सिर्फ 275 रुपए है, बस इतना ही होगा, 5-10 रुपए आगे पीछे हो सकता है, बाकी 250-300 रुपए आप लेके चल सकते हो। 20 दिन की जर्नी में हो गया, क्योंकि लोग जो है ना वो सपोर्टिव होते हैं कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड के, और मेरी जो भारत यात्रा है वो कहीं ना कहीं यू चल रही है कह सकते हो मेरा बिहेवियर, क्योंकि आजकल अगर आप चल रहे हो किसी अदर स्टेट में जा रहे हो तो आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा मेंटेन रखता है इस चीज को लेकर कि हाँ आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखते हो, क्योंकि सामने से अगर आपको गाली देगा तो ही आप गाली दोगे, अगर आपसे प्यार से बोलता है आप प्यार से ही बोलोगे, मेरा भी यही मानना है, और मैं बड़ा ही पोलाइटली बिहेव रखता हूँ, क्योंकि भाई देखो दो वक्त की रोटी खानी है तो सामने वाले से प्यार से ही बोलना पड़ेगा, सीधा ही बोलता हूँ मैं, ठीक है। बाकी लोग काफी सपोर्टिव है और अच्छा लगता है, और मैं इस बोर्ड के जरिए इस बैग के जरिए अपने जो है रोड पे खड़ा हो जाता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 घंटे तक लिफ्ट नहीं मिलती है, कई बार ऐसा भी होता है कि 2 मिनट में ही लिफ्ट मिल जाती है, तो बस सब कुछ देना है, और कह सकते हो कि ये भी एक टैलेंट है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि घर से बाहर निकलो, लेकिन हाँ फ्री ट्रैवलिंग जो है आप इंडिया में कर सकते हो, वो भी आपका आपके अंदर अगर जज्बा है अगर हौसला है तो कर सकते हो, आपके पास टाइम होना जरूरी है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, गूगल मैप की जानकारी होनी जरूरी है, गूगल ट्रांसलेट की जानकारी होनी जरूरी है, कई बार आप ऐसे एरिया में भी जाओगे जहां पर आपकी लैंग्वेज को कोई नहीं समझेगा, तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप बात कर सकते हो एक दूसरे से, और गूगल मैप के जरिए आप एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो, तो बस इस तरह से मैं अपनी भारत यात्रा कर रहा हूँ, कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहा हूँ, सहयोग मिलता है लोगों का घूम लेता हूँ बस। तो आप दिल्ली से ही लिफ्ट ले लेके जा रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली सेंटर में पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना अब जो मैंने अयोध्या ही रहा, एक तो कमाल की बात मैंने पिछले आपको एपिसोड में नहीं बताया हुआ, बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि दिल्ली से ही क्यों, तो मैंने इसलिए बोला कि देश की राजधानी से धर्म की राजधानी तक का सफर था मेरा वो अयोध्या का, और दूसरा अभी देश की राजधानी से मैं सोच रहा हूँ कि पूरे देश के कोने कोने तक मैं ऐसे घूम रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सब कुछ पॉसिबल है ये कह सकता हूँ मैं। मैं ये सोच के ही सोच रहा हूँ कि आम लोगों को अगर लिफ्ट लेने का सोचे भी तो डर लगता है, तो आप क्या सोच के निकले कि हाँ लिफ्ट में मांगू में मिल ही जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपका ये, घर में जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था ये विदाउट मनी का ट्रैवलिंग लिफ्ट लेके, तो मेरे दिमाग में भी आता था, और खासकर अभी भी मेरे घर वालों का अभी भी यही होता है कि तुम लिफ्ट ले रहा, कई बार ऐसे आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे किसी अननोन बंदे के साथ, अगर गाड़ी से लिफ्ट मांग रहे, हो सकता है वो आपको किसी दूसरे जगह पर लेके चला जाए, या फिर हो सकता है आपके साथ कुछ वो गलत चीजें कर दे, गलत बिहेव कर दे, या हो सकता है आपके साथ लूटपाट भी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होता है, डर होता है दिमाग में, लोग कहते हैं घर वाले मेरे भी मतलब कि इंसान ही, मम्मी पापा को डर होता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों क्या ही ले जाएंगे मेरे पास से 15,500 का ये मोबाइल है, इसी मोबाइल से मैं शूट भी करता हूँ, इसी मोबाइल से मैं एडिट भी करता हूँ, तो बस 3 साल हो गए इस मोबाइल को, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा लोग मोबाइल लेकर जाएंगे, बैग में कपड़े होते हैं, कोई मैं पैसे या फिर जेवरात लेके सोने आभूषण लेके तो घूमता नहीं हूँ, तो क्या ही ले जाएंगे, बाकी बस ये है कि अच्छे लोग मिलते, बुरे लोग भी मिले मुझे, लेकिन बुरे लोग को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अच्छों में, उनकी तारीफ कर देता हूँ सामने से, तो भाई उनको लगता है कि वाकई में अभी तक मैं बुरा था, सामने वाला कोई अच्छा कह रहा है तो मैं वाकई में अच्छा ही हूँ, तो बस अच्छे बुरे लोगों को मैं अच्छा बना सकता हूँ, ये टैलेंट भी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत अंदर से आ रहा है। सही है, बहुत अच्छा लगा, धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं,
कोई कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान पैदा ही सनातनी होता है। और परिवर्तन तो दूसरे मजहब में होते हैं, कहीं भी आपको चादर के बदलत आपको मतलब कि परिवर्तन करवाया जाता है, कहीं भी आपको फादर के बदलत परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म ये भी सिखाता है अगर आप पैदा होते ही तो सनातन योग, उसके बाद ही आपके साथ जो देख रेख जो भी करते हैं वो आपके बाद उसके बाद ही किया जाता है, बाकी पैदाइशी हम सनातनी गर्भ से कहते हैं। सही बात है। तो आपका जो सफर था दिल्ली से केदारनाथ का, अभी जो आप केदारनाथ गए वहां का वेदर भी सही नहीं था। हाँ देखो, अभी वैसे भी केदारनाथ की यात्रा 6 महीने खुली रहती है, तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ऊपर केदारनाथ में रोज जाते ऑलमोस्ट, तो आज यात्रा करके ऊपर गए और आज ही दर्शन करके नीचे आ जाते, एक ही दिन में गए एक ही दिन वापस आते। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर गया तो मैं कम से कम 7 से 8 दिन ऊपर रुका था भाई। मैं डेली के साथ गया था और मैं 24 तारीख ऊपर पहुंच गया था और मैं निकला था वहां से 29 की शाम को, 30 तारीख कह सकते हो, 29 की शाम को मैं नीचे उतर गया था। तो ये 7-8 दिन का जो मतलब कि मेरा ये ऊपर रहने का बाबा के दरबार में रहने का जो मेरे को मौका मिला वो काफी अद्भुत था, काफी अविश्वसनीय था। और भाई वहां के वेदर की बात करें तो डेली जो है 1 बजे के बाद जो है ना स्नोफॉल हो जाते थे और मौसम काफी, अभी भी जो है आप मेरे काफी दोस्त है अभी ऊपर, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने में अगर आप जाना चाहते हो मई जून के आसपास में तो अवॉइड करो, क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो कीचड़ की वजह से ना आपको वैसे हो जाए। बाकी बाबा के दर्शन अगर आप करना चाहते हो काफी जिद्दी हो, अगर आपको लगता है सब कुछ छोड़कर मैं जा रहा हूँ तो आप नॉर्मली जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वेदर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, मैं यही कहूंगा आप केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए अगर जा रहे हो तो जाओ, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले आप 2-3 दिन और भी घूमने, 5 केदार में से 4 केदार बचे हैं वो आप कर लो आराम से, बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मौसम वहां का थोड़ा खराब रहता है, संभल के जाए, सावधानी से जाए और अपने साथ जरूरत के जो सामान है दवाइयां वगैरह वो लेकर जरूर जाए। तो लास्ट ट्रिप जो था आपका दिल्ली से अयोध्या और ये ट्रिप था दिल्ली से केदारनाथ, जी दोनों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सा ज्यादा बेटर लगा? बेटर ये तो देखो, ये मैं इसलिए बेटर इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये भी बढ़िया रहा, क्योंकि इसमें भी मेरे एक लाइफ का जो मोड कहते हैं ना, इसमें भी कहीं मेरे पलटा है। इस 15-20 दिन के जर्नी में मेरे इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों ने प्यार दिया और कहते हैं कि भारत में फ्री की चीज अगर कहीं पर अगर बैठ रही हो तो लोग उमड़ के आते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने केदारनाथ में ऊपर गया, मैंने वहां से वीडियो बनाया कि भाई यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिलती है रहने खाने को, लोगों ने भरपूर प्यार दिया है तो अच्छा लगा काफी दिन। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कहूंगा कि अगर कहीं भी लगता है कि आपसे आपके जरिए 150 लाख 10 लाख लोगों का अगर भला हो रहा है तो करो यार, क्या ही क्या दिक्कत है वैसे। अच्छा, जो और इंडिया के जो ब्लॉगर है, जो युवा है, वो चाहते हैं ऑल इंडिया ट्रेवल करना, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? निकल जाओ, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, बस हिम्मत के साथ और नॉलेज के साथ निकलना, निकल जाओ घर से। ये मैं सोचना, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत निकले भी है मेरे को देखकर, काफी सारे लोग निकले भी है ट्रैवल विदाउट मनी कर रहे हैं। ऊपर केदारनाथ बाबा के जब दर्शन करने आया तो काफी लोग मेरे को चाहने वाले मिले भी, अच्छा लगा है। मतलब कि वाकई में चलो अभी धन दौलत नहीं मिल रहा कहीं से, लेकिन प्यार अटूट मिल रहा भाई, और प्यार के सामने धन दौलत फीका पड़ जाता है, इतना तो मैं कहूंगा। मेरा कोई खर्चा नहीं है, हाँ खाने पीने को रहने को मिल जाता बस इतना ही है, लेकिन हाँ कहते ना कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए इंसान कहती है आज के इस महंगाई भरे जमाने में लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं भी कई बार सोचता हूँ, पहले मैं आपने देखा भी होगा कि मैं स्टोरी वगैरह लगाता था क्राउड फंडिंग के लिए, अब मैं वो भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को ये लगता है कि यार बंदा पता नहीं इतना फॉलोवर्स है, पता नहीं अगर वो स्टोरी लगा रहा है तो क्या 60-70 हज़ार रुपये आ जाएंगे। भाई अब कमाल की बात तो है कि मैंने पिछले टाइम में स्टोरी लगाया था, मुझे 101 रुपये आए थे, एक बंदे ने दिया था, उसके बाद किसी ने नहीं दिया, 1500-2000 व्यू आते हैं। तो बस मैं क्या ही कहूंगा, पैसे से मतलब नहीं है, हाँ बस जो ऊपर वाला देगा खुशी खुशी अपना लूंगा। और रही बात, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑडियंस को यही पता है कि आप दिल्ली से अयोध्या गए हो और दिल्ली से केदारनाथ गए हो जी। तो अभी तक आप कितना स्टेट कवर कर चुके हो, कहाँ कहाँ? देखो मैं ऐसे तो ये इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि इनमें से जो रील्स से ज्यादातर इंस्टाग्राम पर वो वायरल हुई थी, अयोध्या वाली और केदारनाथ वाली, इसलिए ज्यादातर लोग जानते इसे। लेकिन इससे पहले मैं पिछले जनवरी से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यू ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ और वो भी विदाउट मनी कर रहा हूँ। 5 स्टेट मैंने कवर करती है, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब और आपका भी मैं उत्तराखंड आया था, तो 20-22 दिन उत्तराखंड में भी हो गए। मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरा स्टेट कवर करता हूँ तो मतलब एक पार्टिकुलर पूरा करूंगा, नहीं, मैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे लोग ज्यादातर आते जाते हैं, कुछ धार्मिक स्थानें होती हैं वहीं पे मैं जाता हूँ ज्यादातर। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर लोगों को पसंद आती है विलेज लाइफ, कि वहां की संस्कृति कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, तो ये चीजें मैं थोड़ी शेयर करूंगा। मैं ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, बस ये मेरा मतलब कि आगे का मतलब कि कह सकते हो कि टारगेट रहेगा कि मैं विलेज लाइफ ही ज्यादातर शेयर करूंगा ट्रैवलिंग में।
तो ये है कि मैं 5 स्टेट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, चैनल आपको सारी चीजें मिल जाएगी जहां जहां मैं ट्रैवलिंग करता हूं। तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट आप कहां ट्रैवल करते हैं? नेक्स्ट मैं, हो सकता है अभी तो लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिया जाए। तो जो जून में आई थिंक यात्रा जो है स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई में सॉरी, तो मैं हो सकता है कि अब J&K के लिए मैं निकलूंगा। बाकी देखते देखो, मतलब अभी टारगेट फिक्स नहीं है और बता दूंगा मैं जो भी होगा, मैं स्टोरी मेंशन कर देता हूं इंस्टाग्राम पे। अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं, मैं कहां जाऊंगा कहां नहीं। एक बहुत मेन क्वेश्चन है, जो भी अगर ऑल इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं उनका भी ये क्वेश्चन होगा, लाइक आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो क्या आपके पेरेंट्स का क्या रहता है, वो लोग सपोर्ट करते हैं? पहले तो उनको मनाना पड़ता है कि भाई मान जाओ, मतलब कि ऐसा है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट, आप किसी भी रिलेशन में रह रहे हो ट्रस्ट होना जरूरी है, ठीक है। आजकल रिलेशन का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं, माँ बाप का भी रिलेशन होता है, भाई बहन का भी रिलेशन होता है, एक चाचा भतीजे का रिलेशन होता है, और मेरा और ट्रैवलिंग का भी रिलेशन है कहीं ना कहीं, तभी मैं शायद कर पा रहा हूँ। और माँ बाप का ये है कि माँ बाप को पहले मनाने में टाइम लगा था, और माँ बाप को ट्रस्ट है कि मैं जहां कहीं भी रहूंगा अच्छे से रहूंगा और किसी के साथ मैं गलत नहीं करूंगा, ये ट्रस्ट बना कर रखना जरूरी होता है। तो बच्चा बड़ा हो या छोटा, माँ बाप के लिए ट्रस्टेबल होना जरूरी है, तभी जाकर वो आपको परमिशन देंगे, आपको कोई भी काम करोगे। उन देखो माँ बाप को नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है वो गलत काम में जाए या उनके साथ कुछ गलत हो, हर किसी को टेंशन होती है। बच्चा अगर पागल भी हो ना तब भी माँ बाप के लिए वो प्यारा ही होता है। तो बस यही मैं कहूंगा कि आप लोग अच्छा करो, माँ बाप को ट्रस्ट करवाओ कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, अपने फील्ड में बेटर करूंगा, और करके दिखाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उनकी नजर में, कई बार आप लोग भी देखा, बचपन में हम भी करते थे, जब घर वाले आते थे तो किताब खोल के बैठ जाते थे, घर वाले गए हम किताब बंद कर देते थे। तो वो दिखावा नहीं करना, क्योंकि अभी आपका कैरियर चल रहा है और ये एक सीरियल चल रहा है एक तरह से, कब आपका सीरियल डायल हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसीलिए जो कर रहे हो अच्छा करो, बेस्ट ही करो हमेशा, ताकि घर वालों को भरोसा हो आप पे। तो इसी पे एक आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा हमारा। जी बोलो। तो आपने बताया गर्लफ्रेंड और पेरेंट्स, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है अभी फिलहाल? तो रिलेशनशिप होता है गर्लफ्रेंड का मतलब ऐसा नहीं है, गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, अच्छी दोस्त या अच्छा दोस्त, ठीक है। तो ये कह सकते हो मेरी बहुत सी लड़कियां हैं जो दोस्त है, लड़के भी बहुत से दोस्त है, मेरे बॉयफ्रेंड भी कह सकते हो, बीएड मतलब कह सकते हो, क्योंकि बॉयफ्रेंड का मतलब होता है लड़का दोस्त, गर्लफ्रेंड का मतलब लड़की दोस्त, तो है अच्छी, मतलब काफी है। घर वाले भी मतलब घर वालों में इधर होता है, गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि भाई आप गलत चीजें कर रहे हो, गर्लफ्रेंड का मतलब टाइम पास या प्यार किया कुछ भी ऐसा नहीं है। प्यार करो हर किसी से करो, लेकिन उसके साथ टाइम पास मत करो, जो टाइम आप उसके साथ वेस्ट कर रहे हो वो आप अपने फ्यूचर को दे सकते हो कहीं ना कहीं। और ठीक है, मतलब कि एक रिलेशनशिप में होना जरूरी है और बी स्ट्रांग बी लॉयल होना जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे हो तो उसके साथ आपको अच्छा रहना पड़ेगा और उसको मतलब कि अपने बलबूते पे उसको एक स्टैंड अप लेना पड़ेगा। और जिसके साथ आप प्यार करते हो इतनी हिम्मत रखो कि उसको आप घर तक लेके आओ, इतना गर्मा में कई बार आजकल का प्यार सिर्फ 14 फरवरी को ही दिखता है, वैलेंटाइन वीक में ही दिखता है, तो वो प्यार वाला प्यार मत करो किसी से, करना है तो घर तक लेकर आओ, इतना अपने अंदर क्षमता लाओ एबिलिटी लाओ कि आप घर तक ला सको। तो यही है भाई, थोड़ा बंद। तो जैसा कि जो लास्ट ट्रिप था आपका दिल्ली से केदारनाथ का जी, तो उसका एक्सपीरियंस आप बताओ कि आप कितना दूर पैदल जाते हो, लिफ्ट मिल जाती है कहीं भी, कैसे लोग मिलते हैं? हाँ मिल जाते हैं, देखो ज्यादातर मैं देखा जाए तो हमारी एज के जो भारत वैसे भी युवा प्रधान देश रहा है, तो अभी भी जो है युवा ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट जो है यंग लोग जो होते हैं ना 20, 22, 25, 30, 40 साल के, यही अंडर मतलब कि 50 यही लोग जो है लिफ्ट देते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको ये रहता है कि वो लोग ज्यादातर यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, उनको दिखता है कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो शायद हो सकते हैं कि वो हमें मदद करते हैं या हमारी मदद करते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं ज्यादा मतलब काफी एज के 50 से प्लस में होते हैं, वो भी ड्राइवर होते हैं आजकल देखा भी, ट्रक वगैरह चलाते हैं, वो लोग जल्दी लिफ्ट इसलिए देते क्योंकि उनके दिमाग में ये, उनका जमाना भी ऐसा था कि उस समय लोग गलत कर देते थे, लिफ्ट लेके हो सकता था मार काट कर दे, छीन झपट कर दे, कुछ भी लूटपाट कर दे, तो इसीलिए उनके दिमाग में, इसलिए हमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग लिफ्ट नहीं देते हैं, मतलब 0.8% भी कह सकते हैं कि ज्यादा ये एज के हो 50 से प्लस वाले जो हमें लिफ्ट देते हैं, नहीं तो कम एज वाले जो है हमारे जैसे आप जैसे वही लिफ्ट देते हैं, क्योंकि उनको एक ललक होती है सीखने की कि बंदा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, बस इतना है। तो भाई जो लोग भी अभी ट्रेवल करने वाले हैं ना ऑल इंडिया फ्री मनी, तो देख लो भाई युवा को ही टारगेट करना कभी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि भारत जो युवा प्रधान देश है और हमेशा युवाओं को लेकर अगर आप चलोगे, युवाओं नॉर्मल सी बात है, युवा ही हो आप, हम भी युवा ही है, तो हमारी सोच जो होती है वो क्रिएटिविटी होती है कहीं ना कहीं सकारात्मक होती है, हम गलत चीजों को जल्दी पकड़ लेते हैं एक तरह से, लेकिन अच्छी चीजों को जल्दी पकड़ना चाहते हैं। तो बस ये है कि सोच अपनी पॉजिटिव रखो हमेशा,
सब कुछ पॉजिटिव है भाई, एनवायरमेंट भी आप पॉजिटिव ही ऑलमोस्ट रखोगे रखोगे फिर तो ऐसा कुछ अभी तो जैसा कि आपने बताया ऑल इंडिया ट्रेवल करते हो आप विदाउट मनी, तो लाइक आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अगर रात है वहां लिफ्ट भी नहीं मिल पा रहा आपको, सुनसान जगह है, होटल्स वगैरह भी नहीं है, फिर आप क्या रहता है, आप फिर वहां पे क्या करते हो? देखो ट्रैवलिंग करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे गाइडलाइंस होती है ना हर चीज का, वैसे गाइडलाइंस ट्रैवलिंग में भी आप कह सकते हो। मैं कोशिश में रहता हूँ कि ज्यादातर शाम के समय जो जब अंधेरा होने लग जाता है तो मैं ट्रैवलिंग हिचहाइकिंग ना ही करूँ तो अच्छा रहता है। और अगर बाय चांस अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं 4-5 बजे ट्रक में बैठ गया और मुझे जाना है 200-300 किलोमीटर आगे जाना है तो मैं नॉर्मल ट्रक में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता ट्रक वाले अच्छे हैं, वो रात को कहीं जहां रुकेंगे वहां उनके साथ में स्टे कर लूंगा। अच्छा। वो किसी न किसी ढाबे पर रुकेंगे या कहीं ना कहीं होटल पर रुकेंगे या फिर ट्रक में, कई बार तक ट्रक में सोना भी पड़ा, 2-2 दिन तक सोया हूं मैं रात में भी और दिन में भी ट्रक में सोया हूं। अच्छा। तो इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहते हो विदाउट मनी, अगर आप हिचहाइकिंग कर रहे हो तो हिचहाइकिंग में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, अगर आप सुबह ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कोशिश करना 8-9 बजे से पहले निकल जाना। और दूसरी चीज ये, अगर आपको खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है, शर्माना नहीं है, अगर सामने वाला ऑफर कर रहा है तो आपको खाना खा लेना है। तीसरी बात ये है कि अगर आप शाम के समय कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप रोड पे खड़े हो, टाइम हो रहा है 6, 6:30, 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है, तो आप आस पास पहले गूगल मैप पे चेक कर लो कि कहीं होटल या फिर कोई ढाबा या फिर कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल या फिर कोई क्या नाम है पेट्रोल पंप हो, तो इन चीजों को आप पब्लिक प्लेस का आप यूज कर सकते हो, उनसे परमिशन लेके उनसे बात करके कि हम ऐसे ऐसे यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि मैं यात्रा कर रहा हूं तो मैं अपना बोर्ड दिखाता हूं कि मैं भारत यात्रा कर रहा हूं और मुझे रहने के लिए, स्टे के लिए, रात के लिए जगह चाहिए, तो ज्यादातर ऑलमोस्ट वो लोग परमिशन दे देते हैं। रेयर चांस ये होता है कि वो लोग परमिशन नहीं देते, कहते हैं कि नहीं रह, नहीं रहने देंगे, तो वो रेयर ही होता है। रेयर होता है तो फिर कई बार ऐसा होता है 10 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, रात को रिस्क होता है थोड़ा, लेकिन क्या बताया, थोड़ा सा रिस्क है ना, रिस्क लेना पड़ता है जी, लाइफ है ये, रिस्क है तो इसका। तो आपके रहनाथ जगह जो गए थे आपके, मैं देखा था इंस्टाग्राम पे आप बता रहे थे कि फ्री में था वहां पे रहने का, जी। तो सभी लोगों के लिए है या फिर? हाँ बिल्कुल सभी के लिए है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो लोग पैसे वाले होते, देखो जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, भगवान के प्रति आस्था तो उनकी भी है, बराबर की है, तो वो ऊपर जा रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है, समझ आता है, वो लोग फ्री में रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे अंधाधुंध पैसे, वो लोग गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल फूंक देंगे फालतू के काम के लिए, लेकिन ऊपर जाकर ये सोचेंगे कि हम फ्री में खाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऊपर अगर जाओगे, अगर फ्री की चीजें ढूंढते हो तो रहो फ्री में, खाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से जो आपको फ्री में खिला रहे हैं उनको कुछ दान दक्षिणा भी देखा हो, ताकि उनका भी जो है मोटिवेशन मिले और उनको भी हिम्मत मिले अंदर से कि वाकई में हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। जो भी अपने तरफ से 500, 1000, 2000 आपकी इच्छा है, आप अपनी तरफ से उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करो, ताकि आने वाले आपकी वजह से 10 आदमी को और वो खिला सके। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से वो डिमोटिवेट हो और वो खाना पीना सब बंद कर दे और पता चले कि जिनको जो भूखे थे उनको भी नहीं मिल पा रहा, आप तो फिर भी खा लो खरीद के, लेकिन जो जिनको नहीं मिल रहा था वो बेचारे क्या करेंगे। तो इसलिए जिनके पास पर्याप्त पैसे है, अच्छा पैसा है, बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, वो लोग अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो तो आप लोग होटल आपके लिए बनाइए खाना पीना, क्योंकि उत्तराखंड में भी 6 महीने अगर वो लोग कुछ रोजगार कर रहे हैं तो उनका भी रोजगार बेचारा ऐसे चलता है, बाबा के भरोसे चलता है। जब आप लोग जाते हो, कुछ खरीदते हो, लेते हो, रहते हो, तभी उनका रोजगार चलता है। तो बस जिसके पास पैसा खर्च कर सकते हो, नहीं है तो फ्री के, तो मैंने बताया कि फ्री आप यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुन के और आपके इस जज्बे और मोटिवेशन को सलाम करते हैं हम। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा ऑल इंडिया ट्रेवल करें, और वर्ल्ड का सपना है मेरा वैसे, मैं इंडिया तक ही सीमित नहीं जानता, तो मैंने टारगेट रख रखा कि 2025 तक इंडिया कवर कर दूंगा, उसके बाद वर्ल्ड का ट्रैवलिंग है और उसको भी मैं पॉसिबल करूंगा। बस जो जरूरत के जो सरकारी चीजें होती है, सरकारी काम कारोबार होते हैं, उसको मैं फॉलो करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैं वेरीफाई करवा के बस वो कैरी मैं करूंगा अपने साथ। बाकी वर्ल्ड ट्रैवलिंग में सोच रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही करूंगा, बाकी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। बस कुछ गैजेट्स, कुछ चीजें की जरूरत होती है जिसको मैं अपने आप और अपग्रेड कर सकूं, उस चीजों की नीड पड़ेगी थोड़ी, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुझे ट्रैवलिंग में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बस बाकी मैं वर्ल्ड का सपना देख रहा हूँ, होगा पूरा एक ना एक दिन, क्योंकि बदलाव एक दिन में ना सही, एक दिन जरूर होता है, इस उम्मीद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी लोगों का प्यार, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे, और उम्मीद करते हैं कि पूरे ऑल, अगर आपका ऑल इंडिया कवर हो जाए उसके बाद भी आपके साथ एक शो करें और एक्सपीरियंस जाने। बिल्कुल आएंगे, देखो ये मेरा फर्स्ट कह सकते हो, इससे पहले भी काफी आए थे पॉडकास्ट, लेकिन समीर भाई का प्यार इतना रहा, खींच लाया यहाँ देवभूमि तक और आए, तो हमने सोचा कि चलो
क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के फैन फॉलोइंग देखकर या ऐसा कुछ, ये सिर्फ मेहनत देख रहे हैं कि बंदा काफी समय से मेहनत कर रहा है और वाकई में रियलिटी दिखता है मेहनत, तभी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि वैसे तो मेहनत बहुत घोड़े भी करते हैं और गधे भी करते हैं मेहनत, तो मेहनत भी दो तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज मेहनत किया, आज उठाया आपने बोर्ड, घर से निकल गए और दो दिन निराश होकर घर पे बैठ गए, बोले भैया हमने भी मेहनत किया था और हमको तो कुछ मिला नहीं। ऐसे मेहनत नहीं होता है, मेहनत तब होता है जब आपको सुबह यह ना पता हो कि हम दोपहर में रोटी कहाँ खाएंगे और रोटी कैसे मिलेगा, तो वो ट्रैवलिंग ऐसा भी आपको अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। बाकी प्यार आप सभी का सपोर्ट बना रहे, हर हर महादेव, थैंक यू अगेन। तो भाई हम आपको बता दें कि हमारे सैम की बात का मोटिव भी वही है कि अनसीन जो हार्ड वर्कर है उनको ही दिखाना है, उनकी रियल स्टोरी को दिखाना। तो आप सपोर्ट करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।